सो यो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है एक बार फिर आपका टू द पावर एंड द गैलेक्सी वॉर के एक और नई सबसे खतरनाक वाली सोलो रेड इवेंट में। एक्चुअली में इस बार जो है बैलेंसिंग एक्ट का जो रेड है वो चल रहा है एंड अपन लेट हैं रेड वीडियो डालने में। एज ऑलवेज हम लोग लेट होते हैं, इस बार भी यार थोड़ा सा लेट हैं तो क्योंकि भाई काम बहुत है, क्या करें। बट अभी जो है रेड गेम प्ले आएंगे एंड दबा के आएंगे, मतलब जाने हम आएंगे और रोज आएंगे ऐसा ही कुछ। एंड देखो यार, हम लोग एलेरियन से खेल रहे हैं क्योंकि मेरा एलेरियन अच्छा खासा अपग्रेड है, बट वो डिफेंसिव है इसलिए मैं उसे पीवीपी में कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ। इसलिए भाई साहब रेड में जो है टॉप पे एलेरियन ही आती है। बैलेंसिंग में भाई साहब डिफेंस में जब भी मेरे को खेलना होता है, मतलब अटैकर कोई वॉरियर होता है, लाइक जैसे अपना कोई अटैकर वॉरियर हो, जैसे कौन सा अटैकर है मायू भैया, सबसे पहले यार फैंटम रेंजर अटैकर है, फुल अटैक्स है उसके पास स्ट्राइक वाले, तो यार उसके सामने ये लेके जाओ एंड बम बम कर दो, तो समझ रहे हो, मतलब जो रेंजर अटैकर हो उसके सामने डिफेंस लेके जाओ तो मज़ा आ जाती है। तो ये है रिवॉर्ड, बम, तो ये रिवॉर्ड क्लेम कर लिया है अपन। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ये वाला नोट कंप्लीट करेंगे। देखो भाई ये है रीता का नोट एंड ये भाई साहब कुछ गाड़ फाड़ वाला मारेगा एंड भाई साहब ये है लेवल पूरा 10 वाला, मतलब लेवल 10 वाला रिवॉर्ड, मतलब 10 वाला नोट यार, बॉस नोट है। तो इसको अपन ने दुगना बूस्ट लेके किया है, मतलब दुगना बूस्ट लेके खेलना स्टार्ट किया है क्योंकि भाई साहब बॉस नोट को एक बार में अकेले कंप्लीट करना मुश्किल है, इसलिए भाई साहब हमने दुगना वाला जो स्टार्टिंग में नीचे वाले नोट रहते हैं उसको एक कंप्लीट किया एंड उसके बाद जो है दुगना डैमेज हो गया अपना ब्रेकर का, स्ट्राइक का, सबका। तो भाई साहब अभी तो पहल पाल देंगे, काम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे अपन वो देखो यार, जो असिस्ट आपके बैलेंसिंग में आते हैं आप वो यूज़ करो एंड जो असिस्ट आपके अपग्रेड हैं लेकिन वो आपकी जो रेट चल रही है, जैसे बैलेंस रेट चल रही है तो बैलेंस में नहीं है, वो अटैकर में है, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो रेड में, उनसे ज़्यादा मतलब डैमेज बढ़ता है। जैसे आपने रेड जो चल रही है वो बैलेंसिंग है, तो मेरे जो डिफेंस में दोनों अपग्रेड हैं किया और ये जैक, तो भाई इनको ये तो बैलेंसिंग में आएंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें बैलेंसिंग में लगा सकता हूँ एंड भाई साहब इनका डैमेज लिटरली भाई जो रेड में होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। बस आपको ये करना है कि लीडर को मारना है, असिस्ट को नहीं मारना है। अगर आप सिर्फ लीडर को मारोगे तो डैमेज डबल एंड असिस्ट मारोगे तो डैमेज बिल्कुल ख़त्म, मतलब डैमेज बिल्कुल देगा ही नहीं, वो 5-6 हज़ार का डैमेज देगा, 10 हज़ार का डैमेज देगा बस। अब अगर आप लीडर मारोगे तो लीडर का डैमेज भाई दुगना से तिगना हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये एक बढ़िया चीज़ होती है, जैसे अगर बैलेंसिंग रेड चल रही है तो आप उसमें अटैकर के असिस्ट यूज़ कर सकते हो, डिफेंडर के असिस्ट यूज़ कर सकते हो, अगर डिफेंडर रेड चल रही है तो उसमें अटैकर के और बैलेंस के मतलब यूज़ कर सकते हो। तो यार असिस्ट आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो आपके अपग्रेड हो एंड समझ लो, मतलब कि आप असिस्ट यूज़ मत करो, मतलब लगा सकते हो आप, लीडर यूज़ करो एंड मारो मत बस, ठीक है। लास्ट वाले बॉक्स में अपने को एक एम्बिशन का शार्ड मिला जो कि बहुत सही था, स्ट्रीट फाइटर में से बहुत कम रेंजर्स मिलते हैं जो कि यार बहुत ही गजब। एंड यहाँ पे अभी अपन ग्रीन रेंजर भी 2 को कंप्लीट करें जो कि यार अपन हेल्थ और पावर बढ़ाने के लिए करें क्योंकि इसकी हेल्थ जो है वो 1,80,000 ऑलमोस्ट, ये लेवल 7 का जो है वो प्लेयर होगा, ऑलमोस्ट लेवल 7 या 8 का प्लेयर होगा क्योंकि भाई साहब इसको अपन कंप्लीट करेंगे तो 4% हेल्थ या 4% डैमेज बढ़ जाएगा जो कि बहुत ज़रूरी है, आगे हमें सोलो रेड में बहुत अच्छा काम आएगा। एंड किसने जो रीता वाला नोट है उसको एक एनर्जी में फिनिश किया है ये लोग, मतलब ये चीज़ मुझे प्लीज़ कमेंट में करके बताना। तब तक के लिए हम लोग जो है इसको फिनिश करते हैं, लेट्स बी किक, बूम तेरी बहन को नमन, ओके। अरे नमक सूंघना बंद कर दे भाई, ये देखो भाई साहब उसको, तो देखो यार रियान मिकल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन एपिक क्योंकि यार भाई साहब इसके मूव फास्ट हैं एज कम्पेयर अगर हम अदर रेंजर्स के साथ करें। एंड देखो यार इसका डैमेज अच्छा है, एक डिफेंसिव है वो भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो एंड ये फास्ट है, डैमेज बढ़िया है, सबको सही सलामत है। तो यार रियान मिकल भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सही है एंड रेड में अपग्रेड करने के लिए भी एंड पीवीपी बैटल में भी रियान मिकल आप यूज़ कर सकते हो। वो बात अलग है कि 2 साल से इसको कोई पीवीपी में यूज़ नहीं करता, पहले भाई साहब ये बहुत यूज़ होता था लेकिन जब से ड्रैगन आया है, मतलब सॉरी डैगरन आया है, नौकरी आई है, ब्लेज आया है, स्काई टेट आया, बहन चो माँ छूट गई है गेम की भाई साहब, तब से रियान मिकल को कोई यूज़ नहीं करता। अदरवाइज पहले जो था वो सैम और लॉर्ड ड्रैगन और बहन चो रियान मिकल ये सब यूज़ होते थे भाई, तो बहुत सही था गेम। तो यार यहाँ पे अपन ऊपर वाले भी कंप्लीट कर करके आपको दिखा दिए कि रिवॉर्ड क्या मिला है क्योंकि यार ये सब 2,80,000 की हेल्थ वाले लौंडे हैं तो इनको कंप्लीट करने में अपन टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, इनको अपन फटाफट से ऐसा चुटकी बजा के भाई जो कंप्लीट करेंगे। एंड यहाँ पे यार देखो ये वाला नोट अपन कंप्लीट कर चुके हैं सारे, अब अपन जो है गोल्डन वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे, बूम बाम मचा देंगे क्योंकि भाई साहब देखो यार रेड खेलने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है सोलो रेड के ऊपर,
अलायंस में यार रेड 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 की टिप्स की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसमें जो लो डैमेज वाले नोड होते हैं वो पहले खेलो एंड जो हाई डैमेज वाले नोड होते हैं वो बाद में खेलो ताकि आपका हेल्थ और डैमेज बढ़ जाए। यहाँ पे अपन ने वाइट वाली लाइन पूरी कंप्लीट कर ली ऑलमोस्ट मिडल स्लॉट तक, यानी कि दूसरे स्लॉट के दूसरे पैरा तक पूरा। एंड अभी जो हम लोग है येलो वाली यानी कि गोल्ड वाली लाइन को टच कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट कर रहे हैं। जो अच्छी सी है मतलब यार जो बढ़िया खिलाड़ी होते हैं वो गोल्ड वाली लाइन में होते हैं एंड ये मुश्किल होता है कंप्लीट करने में। तो आप गोल्ड वाली लाइन पहले देखो, पहले वाले दूसरे स्लॉट तक की पूरी वाइट वाली लाइन कंप्लीट कर दो जो नॉर्मल वाली रहती है, उसके बाद गोल्ड वाली कंप्लीट करो, एकदम आखिर में भाई जाके ना एपिक वाली लाइन जो रहती है ना ब्लू कलर की पर्पल वाली उसको कंप्लीट करो, ताकि भाई साहब एकदम डैमेज और हेल्थ आपकी बवाल मच जाए, एकदम भाई बवाल एकदम खिलाड़ा मचा दो, समझ लो। तो बहुत सही जाएगा आपका एंड कांड कूंड जो कर दोगे बहुत सही, मतलब भाई गजब कर दोगे आप कतई। तो यहाँ पे जो है ब्रेकर मार रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हो एंड देखो यार इसके साथ बहुत सही कॉम्बो बनते हैं। इसको लोग पहले कहते इलेरियन को लोग पहले क्वीन ऑफ कॉम्बो कहते थे, समझ रहे हो भाई, कॉम्बो की क्वीन कहते थे, क्योंकि भाई साहब इसकी ईपी कोस तीन 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 और एक सॉरी तीन तीन चार चार थी, तो इसके कॉम्बो बहुत सही बनते थे। दो दो मूव हैं ब्रेकर और डिफेंस जो कि चार की ईपी कोस लेते हैं एंड दोनों स्ट्राइक जो कि है यार वो तीन की ईपी कोस लेते हैं, तो बहुत ही बवाल मच जाता है, जो मतलब बहुत ही खतरनाक एकदम। तो यार यहाँ पे अपन ने उसको कंप्लीट कर लिया है एंड अपन आगे बढ़ रहे हैं रियान में कल के साथ, जो कि अभी अपन ने खेला था एंड बम 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 बहुत से। देखो यार जब मैं लास्ट टाइम असिस्ट के साथ खेल रहा था ब्लेक के साथ, तो मैंने बिल्कुल भी असिस्ट यूज़ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे मैंने जैक और किया लगाए थे जो कि बैलेंसिंग एक्ट की रेड में नहीं आते, इसीलिए मैं उनको यूज़ नहीं करता, बस मैंने लीडर यूज़ किया। और अभी जो है रियान मैकल के साथ में दोनों जो है बैलेंसिंग असिस्ट हैं, ग्रीन रेंजर V2 एंड येलो वाली ट्रिनी, तो भाई मैं लीडर के साथ साथ असिस्ट को मारूंगा तब भी सेम डैमेज देगा, माने कि बहुत अच्छा डैमेज देगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग अपन लीडर मारेंगे, अदरवाइज टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन जो है असिस्ट तेरी बहन को ऐसे मानेंगे। तो देखो यार इसका है 12,000 डैमेज और अगर यही बैलेंसिंग की जगह अगर अटैकर होता तो सारा इसका जो होता 1200 डैमेज, समझ रहे हो, मतलब 10 गुना डैमेज कम हो जाता है, क्योंकि वो उस एक्ट में आता ही नहीं है जिसमें हम लोग खेल रहे हैं, यही मेन मुद्दा है। एंड देखो यार जो रेंजर अपग्रेड है बस उनको यूज़ करो, करीब 4 से 5 रेंजर आपके असिस्ट में अपग्रेड होंगे, आप उनको यूज़ कर लो, बाकियों को फेंक दो, मतलब बाकियों को क्या करना यार, मतलब जेन्युइन सी बात है कि जो आपके अपग्रेड है वही आप यूज़ करो, जो नहीं अपग्रेड है उनको छोड़ दो। माँ क्या दिक्कत आ रही है भाई, जब पढ़ी लिखी लौंडियाँ दोहरे आ रही है, समझ लो। तो यार यहाँ पे अरे ये तो नाग भाई उड़ा रही है, इसकी बहन को नमन, नमक सोंगना बंद कर तुम्हारी बहन को नमन। ओके लाइट स्पीड केक भरदेश की माँ का छोड़, अरे भैया डिफेंस, ओ माँ ओ वे ओ भाई साहब, वो माँ गुटुरु लव हो गया भाई। तो अपन आयशा टाकिया लेके आए हैं, सॉरी आयशा लेके आए हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक खिलाड़ा, एक बवाल गेम प्ले बचाती है, बहुत सही बेटे। देखो यार आयशा इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टर इन द गेम बिकॉज मेरा दोस्त साला उधारी लेके बैठा है 2000 रुपया, अभी तक उसने दिया नहीं, माँ यू भैया उसको छोड़ेगा नहीं भाई, मुझसे बोल लिया उस दिन फ़ोन पे, साला आजा भाई दारू दूरू पीते हैं भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक मतलब समझ रहे हो ना, मतलब। तो मैंने कहा भाई ये भाई साहब अपना ही खर्चा कराएंगे, तो मैंने कहा भाई मैंने तो पीना छोड़ दिया, समझ रहे हो साला, मैंने कहा बियर भी अगर मैं मंगाऊँगा तो 300-400 रुपये के लग जाएंगे मेरे। तो मैंने कहा भाई मैंने पीना छोड़ दिया, तो मैंने वो वाला गाना बजाया, अब मैंने पी नहीं है जी, मैंने पी नहीं है। फिर वो कहता कल तो पी थी, तो मैंने कहा बेटे मैंने पिला दी गई है, ज़्यादा हो गई है, कल से पड़ी नहीं है, समझ रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि बहन चुप, मैंने पी नहीं है, बस मुझे पिला दी गई है। तो वो मैंने उसको बहुत मुश्किल से हैंडल किया, तो पैसे मेरे बच गए। इसीलिए अपन जो है जाइटो की अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि है बवाल गेम प्ले आएगा जाइटो का, भाई चौदह उसकी दो दो तीन तीन की पिकोस्टेस की माँ का छोला, भाई दो की पिकोस्टे तीन की पिकोस्टर ब्रेकर जो तीसरा वाला जो हाइड उसकी चार की पिकोस्टा अस्तला मुर्गी शादी लौंडो की कर देगा, मारी जय हो। तो समझ रहे हो, तो यहाँ पे अपन फील माई कैन अगेन यूज़ नहीं करेंगे, देखो किया और जैक अपन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अपन को लीडर यूज़ करना है। एंड भाई साहब ये लेवल 9 का जो बॉक्स है, लेवल 9 रिवार्ड का बॉक्स है, जो कि है ट्रेंट स्कीम, बहन को नमन। भाई साहब अपकी अपन ने दुगना पावर नहीं लिया है, इसलिए साला भड़वा बहुत मार रहा है भाई साहब। ब्रेकर माचो देश की, अरे यार इतना कम डैमेज का कम, अरे वाह ब्रेकर एक और मारने का मौका, स्लेज पेल दिन, क्योंकि भाई साहब इनके असिस्ट दोनों जो है वो डिफेंस है, इसीलिए मैंने सोचा कि दबाओ रे बाबा ब्रेकर दबाओ, देखा जाएगा, मतलब देखा, अरे पेल दिस। ओके थोड़ा सा हेल्थ रह गया था भाई, थोड़ा सा क्या यार, अभी आधा पड़ा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
अपन किम्बरली के साथ कंप्लीट कर देंगे, जो कि बहुत सही जाती है। देखो किम्बरली वर्सेस अगर हम उसका करें ट्रेंट, तो भाई ट्रेंट जीत जाएगा क्योंकि किम्बरली के पास सारा ब्रेकर हो जाता है सुपर मोड में एंड ट्रेंट के पास फुल्ली स्ट्राइक, तो भाई साफ समझ रहे हो वो मिसकी बहन को नमन। तो यार ट्रेंट ही जीतेगा ऑलवेज, किम्बरली थोड़ा सा स्लो है सुपर मोड में एंड भाई ट्रेंट यू नो ऑलवेज फास्ट, समझ रहे हो, खतरनाक खिलाड़ी भाई, वो फर्स्ट स्लॉट मारेगा बस, उसका मतलब ही नहीं है, स्ट्राइक पे स्ट्राइक देगा, गांड फट जाएगी तुम्हारी और तुम हैंडल भी नहीं कर पाओगे। तो ट्रेंट हमेशा जीतेगा किम्बरली से, बिकॉज विकास दुबे मेरा दोस्त साला भाई साहब उधारी लेके बैठा दे नहीं रहा, समझ रहे हो, तो जहाँ पे विकास वाला सीन होगा वहाँ पे मेरा दोस्त विकास आएगा और उधारी देगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बोम इसकी भाई साहब तीर घुसेड़ दे मेरी गांड में 6 के 6 पूरे ले, अब तो सुपरमैन पहले का, अरे ये क्या बड़वा, ओके ओके ड्रैगन लेगेसी, अबे ये क्या कर रहा है, ये तो सारे काट रहा है मेरे भाई, ये तो चाइनीज योद्धा हो रहा साला, जो भी मैं मार रहा हूँ काट रहा उसको, अरे यार भाई इसने विकास दुबे बना दिया मेरे को भाई साहब लपेट दी। तो एक एनर्जी और वेस्ट करनी पड़ेगी इसी के साथ, सब जनहित में जा रही, जिसको अपनी गान प्यारी और नहीं मतलब जान प्यारी, वो आके अपनी फ्लोर पे आए, नाचे गाए भैंसिया चराए, समझ रहे हो भाई साहब। ओके ब्रेकर मारा है 25,000 डैमेज, परफेक्ट आ गए अपन, मतलब देख रहे हो यार रेड में अपन परफेक्ट आते हैं, मतलब पीपी में तो अपनी अवकाश से बाहर है पर रेड में तो आते ही है ना खत ही भाई, मानते हम लोग उत्तर अमेरिका के जैसे पीरो प्लेयर रही हैं, लेकिन हम लोग खिलाड़ा हैं बे, खिलाड़ा जहर मचा देंगे भाई साहब, बवाल भ्रम अश्वत धामा हैं बे हम लोग। ओके लॉर्ड असेल्ट, देखो एक बात मैं पहले बता दूं यार, मेरा जो है ग्रीन की माँ का बोसड़ा, ओके ये जो अबे क्या नाम है इसका, जियो ये जो जियो गोल्ड रेंजर है ये मेरा अपग्रेड नहीं है, जस्ट ये लेवल 3 है और कुछ नहीं, एबिलिटी लेवल 7 या 6 ही पता ना कितनी करी है मैंने, याद भी नहीं मेरे को। इसका डैमेज अच्छा है पर एनर्जी नहीं थी भाई, ऑब नहीं थे, कहाँ से अपग्रेड करता, बस भाई लेवल 3 है इतना समझ लो, तभी तो यार इतना कम डैमेज है, वरना भाई इसका 1.5-2 लाख से कम ना होता, बहुत तगड़ा डैमेज होता भाई साहब। तो अपन विकास दुबे को भर रहे हैं जो कि लेवल 10, अरे मार तेरी बहन को। ओके भाई साहब उस कदर कुत्ता भर, ओ एक हिट तो बड़ा, चलो सही है बोम बाम मार दे भैया, मार फिनिश कर दे इसकी माँ का छोला, अरे भाई मार डिफेंस, अबे मार देंगे चलो एक और, अबे भाई यही चीज़ मेरे को थोड़ा सा पहले माननी चाहिए, इसको तीनों पल्स पड़ जाते 1-2-3 ऐसे इसकी माँ का छोला। ओ भाई साहब सेम अगर मैं पहले मारूंगा ना गोल्डन पल्स, ये देखो अभी मैं गोल्डन पल्स मारूंगा, बूम बूम बूम, अरे यार तीसरा चौथा दोनों हिट पड़ गए इसकी माँ का छोला। ओ भाई साहब आवाज शील्ड है माँ दर्जात, अब नहीं छोड़ेंगे, बूम ब्रेकर एंड बूम 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 ब्रेकर भाई, अगर ये अपग्रेड मार बाप ब्रेकर मार, देखा जाए देखा, ये था परफेक्ट इसकी बहन को रमन भाई साहब। अभी मैं समझ चुका हूँ कि इसके गोले जो है वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, तब तक अपन समाप्त कर देंगे इसकी माँ का छोला। ओके 5-4-3-2-1 एंड बम बाम हो गया, बम एक और दूसरा हिट, अरे यार तीसरा हिट पड़ा ही नहीं। ओके तो भाई काफ़ी हद तक अपन लोग सही खेले, अभी हम लोग ब्लेज से खेलेंगे क्योंकि पानी जो है वो सर से ऊपर जा रहा है और बहुत ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो, तो हम लोग ब्लेज से खेल रहे हैं। 1,00,000 हेल्थ इसकी रह गई है, वायलेंट कार्ड्स करप्टेड स्ट्राइक अदर वन करेक्टर, अरे करप्टेड स्ट्राइक पेल इसकी माँ का। ओके तो एक बार फिर हम लोग करप्टेड स्ट्राइक मारे हैं एंड देखो यार ब्लॉक है अपने पास, फ्लरी ऑफ स्नो है, बम बम करप्टेड स्ट्राइक ही सही है क्योंकि भाई साहब ये फास्ट है एंड एनर्जी अब्जॉर्ब करती है ओपोनेंट की 3, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड भाई साहब डिफेंस। ओके मिडल स्लॉट अपना ब्लॉक है जो कि जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है एंड हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मिडल स्लॉट ब्लॉक है इसके ऊपर, देखो यार क्या ही कर सकते हैं, मारेंगे करप्ट स्ट्राइक बम बहुत सड़ी का वायलेंट कार्ड्स, भर दे स्ट्राइक एक और बम, ओ भैया वो हो इसके पंख उड़ रहे हैं भाई पिछवाड़े, देखो कितना खतरनाक मारा मैंने इसको। तो यार ये है रिवॉर्ड बॉक्स, इसमें मिला है मेरे को सैम का डब्बा एंड यार अभी वाला जो है मैंने इतना खेला है, मैं थोड़ा सा आपको मेगाजोर्ड भी कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, ये मारा इसकी माँ का भाई, मेगाजोर्ड 1 कंप्लीट, मेगाजोर्ड 2 भी कंप्लीट, येलो रिवॉर्ड भाई इतनी तेज, अगर कोई मेगाजोर्ड खेल सकता है ना मतलब डायरेक्ट डब्बे कंप्लीट हो रहे हैं, समझ रहे हो इतनी तेज ये रह गया क्या, अच्छा एनर्जी कम पड़ गई होगी, नहीं एनर्जी तो 15। चल मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बताना कैसा लगा और आप लोग बताओ, बाय।